सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पुलवामा अटैक पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के बाद उन्हें द कपिल शर्मा शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब उनकी जगह पर अर्चना पूरन सिंह को लाया जाएगा। शनिवार से ही ये खबर है कि सोनी टीवी ने उन्हें इस शो से बाहर कर दिया है, लेकिन फैंस की नाराजगी अभी कम नहीं हुई है। इसी बीच अब सोशल मीडिया पर अर्चना की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अर्चना ने ये वीडियो पुलवामा अटैक से 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें वो कह रही थी, मैं वैनिटी वैन में इंतजार कर रही हूँ तब कपिल शर्मा शो की शूटिंग के लिए। उन्होंने कहा कि मैं सालों बाद कपिल, कृष्णा, भारती और केकू से मिलकर काफी खुश हूँ। वहीं उन्होंने बैकस्टेज राइटर के बारे में भी बात की। वीडियो में अर्चना की खुशी साफ दिखी जा सकती है कि वो कपिल के शो के लिए कितनी एक्साइटेड है। आखिर में अर्चना ने कहा, शो देखना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, एक बार फिर वही मस्ती, वही हंसी के ठहाके, वही शरीफ बदमाश हंसाने वाले, वही माहौल, वही लव एंड लाफ्टर एंड बॉन्डिंग, लुटेरों की गैंग के साथ वापसी, हंसी के लुटेरे। वहीं अर्चना के इस वीडियो को देखकर यह साफ जाहिर हो जाता है कि पुलवामा अटैक पर सिद्धू के दिए गए विवादित बयान को शो के मेकर्स पॉपुलैरिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बताता है कि शो से सिद्धू का जाना पहले से ही तय था। दरअसल मई 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और सिद्धू कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में सिद्धू के अगले 3 महीने शो की शूटिंग के लिए काफी मुश्किल था। हालांकि पुलवामा अटैक को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन शो के मेकर्स की तरफ से अभी तक सिद्धू को शो से हटाने की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वहीं ट्विटर पर शो का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कपिल अर्चना का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं और वीडियो में अर्चना सिद्धू की जगह पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच सिद्धू ने भी इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें शो से नहीं निकाला गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान 200 बार सामने आ चुके हैं। सोनी टीवी की तरफ से मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया है, वो जो बोल रहे हैं मुझे लेटर दिखा दे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।